दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे, अगर मैं गूगल पे से अपना या किसी का भी मोबाइल रिचार्ज करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 5 रुपए से 50 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। तो अगर आप भी गूगल पे का यूज करते हैं तो इस तरह का ऑफर आपको कैसे मिलेगा और अगर मिला है तो इसका यूज कैसे करना है, यह जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस तरह का ऑफर या वाउचर आपको कैसे मिल सकता है। तो जैसे कि यहाँ गूगल पे के होम पेज पर आएंगे तो देख पाएंगे यहाँ पर काफी सारे इनके सर्विस मिल जाते हैं, जिनसे मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज यह सब कर सकते हैं। तो इसी के जरिए ही आपको मोबाइल रिचार्ज वाला ऑफर मिल सकता है। काफी लोग गूगल पे का यूज तो करते हैं, चाहे वह बिल पेमेंट के लिए हो या मनी ट्रांसफर के लिए हो, और उनको वाउचर भी मिलते हैं, लेकिन वह कभी ध्यान नहीं देते। तो वाउचर या ऑफर जो मिलता है वह आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल पे में यहाँ नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ऑफर्स एंड रिवार्ड्स का, तो यहाँ नीचे रिवार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी ऑफर्स और रिवार्ड्स मिलते हैं उन सभी की लिस्ट होगी। अगर आप उनका यूज नहीं करते तो वह एक्सपायर हो जाता है, फिर वह आपके कोई का काम नहीं रहता। तो यहाँ पर देख पाएंगे इससे पहले मुझे एक बार मोबाइल रिचार्ज करने पर 6 रुपए का कैशबैक मिला था। इसी तरह अभी मुझे एक और ऑफर्स मिला है जिसका यूज कैसे करना है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, इसके बाद देख पाएंगे यहाँ पर सभी जानकारी बताए होंगे। जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपको 5 रुपए से 50 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है और इसका एक्सपायरी डेट यहाँ नीचे में लिखा होगा, तो उस डेट से पहले ही आपको मोबाइल रिचार्ज करना है। यहाँ नीचे में और भी जानकारी बताया गया है जिन्हें आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर लिखा है कि यह कैशबैक आपको गूगल पे से मोबाइल रिचार्ज करने पर ही मिलेगा, जिसके लिए आपको नीचे रिडीम वाले ऑप्शन से ही करना होगा। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको कम से कम 80 रुपए तक का मोबाइल रिचार्ज करना होगा, अगर कम का करते हैं तो यह ऑफर अप्लाई नहीं होगा और यह ऑफर एक ही पर्सन के लिए वैलिड होगा। तो चलिए यहाँ मैं नीचे रिडीम नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे जिसका भी रिचार्ज करना है, अगर आपके मोबाइल में वह नंबर सेव है तो यहाँ कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन से भी वह नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछला जो रिचार्ज किए होंगे उनका नंबर नीचे में भी दिखाई देता है तो वहां से भी आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई भी एक प्लान को सिलेक्ट कर लेना है जिससे रिचार्ज करना चाहते हैं और वह 80 रुपए से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने प्लान सिलेक्ट करके पेमेंट भी कर दिया है और हमारा रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको होम पेज पर आना है और यहाँ रिवॉर्ड वाले सेक्शन पर फिर से चले जाना है। इसके बाद देख पाएंगे आपको यहाँ वाउचर मिले होंगे, जैसे कि यहाँ मुझे 2 वाउचर मिले हैं, चलिए इसे स्क्रैच करके देखते हैं। तो इस स्क्रैच कार्ड में मुझे प्रोडक्ट वाला ऑफर मिला है जो कि कम दाम में मिल रहा है। तो अगर ऐसे आपका कार्ड में आते हैं और आपको इसकी जरूरत है तो आप खरीद सकते हैं जो कि आपको कम दाम में मिल जाएगा। चलिए अब दूसरा वाला कार्ड स्क्रैच करके देखते हैं तो देख पाएंगे इस कार्ड में हमें 6 रुपए मिल चुके हैं और यह पैसे आपके बैंक में तुरंत ही आ जाएंगे। हालांकि इसमें कभी कभी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ज्यादातर यह तुरंत ही मिल जाता है, जो कि यहाँ मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में ले जाकर दिखा देता हूँ। तो देख पाएंगे यहाँ हमें 6 रुपए मिल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ऑफर आपको मिलता है तो उसका फायदा जरूर उठाएं, जो कि गूगल पे में यह मिलते रहते हैं। और अगर अभी तक आपने गूगल पे में अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां से क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं और अकाउंट बनाते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में 21 रुपए मिल जाएंगे। साथ ही आप अपने लिंक से किसी को ज्वाइन करते हैं तो आपको 201 रुपए मिल जाएंगे। और ऐसे ही आप जितने ज्यादा लोगों को रेफर करते हैं तो आप हर एक के पीछे 201 रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अर्निंग एप से रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।